सो ये हमने मार्किंग किया है, ठीक है। एंड इस तरह से हम ये जो है आपका लाइपोसेक्शन करेंगे और ग्लैंड रिमूव करेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर जो है, ठीक है, सो इसके अंदर जो है बेसिकली हम लाइपोसेक्शन करेंगे बाय वेजर टेक्निक। सो ये राइट हैंड साइड काफी बड़ा साइज भी ज्यादा है, सेगिनेस भी ज्यादा है, तो उन दोनों को बेसिकली दोनों को सिमेट्रिकल शेप देना है एंड स्किन काफी लूज है, ठीक है। सो इस तरह से सर्जरी करेंगे, इस तरह से हम उसको डेफिनेशन देंगे, इस तरह से हम उसका फैट और ग्लैंड निकालेंगे, स्किन जो है रिट्रैक्ट हो, ग्रेजुअली रिट्रैक्ट होगी, धीरे धीरे रिट्रैक्ट होगी, ठीक है। सो इसमें लाइपोसक्शन बाय वेजर जैसे भी मैंने बताया एंड ग्लैंड रिमूव करेंगे, ठीक है। सो ये अंडर जेनेसिस से करेंगे, कंप्लीट आपको जो है अनकॉन्शियस होंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। और कोई आपके डाउट प्रोसीजर से रिलेटेड? तो ये कब से है आपको? ये मुझे टीनेज से है। ओके, जब मैं 14 साल का था। ओके, और क्या कैसे पता चला कि गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको? एक बार गए थे हम लोग हॉस्पिटल, गए थे डॉक्टर ने चेक किया कि हाँ ऐसा होता है। ओके, उसने बोला ठीक हो जाएगा, 18 तक ठीक हो जाता है अपने आप। ओके, लेकिन गया नहीं कभी। तो आपने इसके लिए क्या क्या ट्राई किया कम करने के लिए? वेट लॉस, सब कुछ, एक्सरसाइज, हर चीज किया। कितना फर्क पड़ा उससे? ये बाकी सब कम हो जाता था, ये नहीं रहता, ये कम ही फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस पे कोई नहीं आया, ये वैसा का वैसा लटकता था। हाँ। ओके, फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि सर्जरी करना है? आपका चैनल पता चला मुझे 4 साल पहले, मैं देखता था हमेशा, प्लान बनाता था, अब जाके फाइनली आपने ये डिसाइड किया कि अब सर्जरी करनी है, राइट। क्वेश्चन मतलब जो ऐसे आपको नीचे की तरफ रखना पड़ता है, ऐसे तो इतने टाइम से मतलब डिसीजन क्यों इतना टाइम लिया डिसीजन लेने? पहले तो वेट किया कि ऑटोमेटिक ठीक हो जाए 18-20 तक, उसके बाद फिर ओके, पहले लगा कि चेस्ट फैट है, एक्सरसाइज वगैरह से चला जाएगा, ठीक है, फिर नहीं गया। ओके, सो इस तरह का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह का बेसिकली हाई ग्रेड ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट है एंड ऑब्वियसली इसमें फैट के अलावा बेसिकली जो है ये ब्रेस्ट टिश्यू भी है, ठीक है। सो ये ब्रेस्ट टिश्यू कोई भी वेट लॉस से, कोई भी एक्सरसाइज से नहीं जाता है। कोई मेडिसिन वगैरह ट्राई किया था आपने? नहीं, मेडिसिन। ओके, तो आपको शुरू में जैसे लगता था कि ये चेस्ट फैट है, सो इस तरह का ये वेट लॉस से, कोई भी जिम से, किस तरह की भी एक्सरसाइज से आपकी बाकी बॉडी पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन चेस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि उल्टा ही फर्क पड़े, जैसे जैसे अगर आपने वेट लॉस किया तो आपका जो है टमी अंदर जाएगा और ये और ज्यादा बड़ा लगता है, तो और ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। एंड सो इसमें सर्जरी ही ओनली ऑप्शन है एंड इट इज द डेफिनेटली। ओके,